कथा प्रवचन और तंत्र पूजन कर पूंजीपतियों को अपना भक्त बनाने वाले मुंबई का ठग बाबा वीरेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ठगी के 3,77,00,000 रुपए के साथ फैजाबाद में गिरफ्तार हुआ है। मुंबई और फैजाबाद पुलिस ने उसे रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। ठग बाबा वीरेंद्र ब्रह्मचारी मुंबई में कथा प्रवचन और तंत्र पूजन कर बड़े बड़े सेठों को अपना शिष्य बनाता था। तो मुंबई की हीरा व्यापारी चेतन सेठ ने बाबा के खिलाफ ताड़देव थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। बाबा वीरेंद्र नाथ का देश के कई राज्यों में इनके शिष्य भी हैं, लेकिन बाबा को इंग्लैंड में बैन करके रखा गया। इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई है वो देखते हैं। धर्म के नाम पर धोखा, दौलत के नाम पर ठगी, करोड़ों पर किया हाथ साफ, धरा गया ठग बाबा। लोगों को आस्था के नाम पर धोखे का शिकार बनाने वाला एक और ठग बाबा पुलिस के मुद्दे चढ़ा है। कथा प्रवचन और तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करने वाला ये शातर ठग बाबा अब कानून की गिरफ्त में आ गया है। ठग बाबा वीरेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को मुंबई के हीरा व्यवसायी चेतन से 3,85,00,000 रुपए की ठगी के आरोप में फैजाबाद से गिरफ्तार किया गया। बाबा के पास से ठगी के 3,77,00,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। ठग बाबा वीरेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने मुंबई, राजस्थान, गुजरात में कथा प्रवचन और तंत्र पूजन के ढोंग से कई लोगों को अपना शिष्य बना रखा था और उनके इन्हीं शिष्यों में से एक थे मुंबई के हीरा व्यवसायी चेतन। ठग बाबा वीरेंद्र की नजर हीरा व्यवसायी की दौलत पर थी और उसे हासिल करने के लिए उसने चेतन को 40 करोड़ रुपए कर्ज दिलाने का झांसा दिया। बाबा पर भगवान की तरफ विश्वास करने वाले चेतन को यकीन हो गया कि बाबा उसे दौलत दिला देंगे, लेकिन बाबा के दिमाग में ठगी का जो प्लान था उसे चेतन नहीं समझ पाए और वो बन गए ठगी का शिकार। ठग बाबा ने चेतन को 40 करोड़ का कर्जा दिलाने के नाम पर 3,85,00,000 रुपए की रकम वसूल की और फरार हो गया। इनका कारोबार, ये हीरे के व्यापारी हैं, इनका कुछ कारोबार मंदा चल गया था। इन्होंने इनको आध्यात्मिक बातों में उलझाया और बताया आपकी गृह दशा ठीक करवा देंगे तथा कुछ आपको हम कर्ज भी दिलवा देंगे 40 करोड़ रुपए। और इस संदर्भ में इन्होंने ये बताया कि कुछ इस पैसे भी आपको अधिकारियों को देने के लिए खर्च करने पड़ेंगे और इन्होंने उनसे करीब करीब 4 करोड़ रुपए अधिकारियों के नाम पर मुंबई में ले लिया। हीरा व्यवसायी को जब अपने साथ हुई इस ठगी का पता चला तो उसने मुंबई के ताड़देव थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश में जुटी पुलिस की जांच में सामने आया कि ठग बाबा वीरेंद्र उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम फैजाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी ठग बाबा को उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस उनका पीछा करते हुए यहाँ पे आई और थाना स्थानीय के सहयोग से कल निराला नगर में इनकी ससुराल में 3,75,00,000 रुपए बरामद किए गए कैश और ये अरेस्ट किए गए हैं मुंबई पुलिस द्वारा। ये ट्रांजिट रिमांड पर अब मुंबई जाएंगे। ठग बाबा 4 करोड़ की ठगी को अंजाम देने के बाद सीधे फैजाबाद में अपने घर पहुंचा। उसे यकीन था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसका ये यकीन भ्रम साबित हुआ। ये बाबा, इनका ज्यादातर गुजरात और राजस्थान में ज्यादा भक्त लोग हैं और राजस्थानी गुजराती लोग इनको मानते हैं और उन्हीं में से एक जो अभी हमारे कंप्लेनर है वही है। ये वेद का प्रवचन करते हैं बाबा जी और इनके इंग्लैंड में इनको बैन है, इनका पासपोर्ट भी कैंसिल किया है। ठग बाबा की असलियत सामने आने के बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में।